गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं और हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। यूनिट 6 हिल रोड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ। बच्चों, पिछले में आपको जो मैंने बच्चों पीडीएफ भेज रखा है उसका ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसका जो है मैं आपको मोर जो है इस चैप्टर यूनिट नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपको लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि बच्चों आपका पेपर ऑब्जेक्टिव मोड पर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की ज़रूरत सब्जेक्टिव के नज़रिए से नहीं है। जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं वो उस चैप्टर से वो उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में, पिछले से आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रधारक दीवार, यहाँ से क्वेश्चन आपका आगे से उसी जो पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था उसके आगे से, प्रधारक संरचना में 10 से 20 सेंटीमीटर व्यास के छिद्रों को प्रदान किया जाता है जिससे रिसन का प्रवाह समाप्त हो जाता है, वह जाना जाता है किस नाम से, वो जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसको ध्यान रखिएगा, वीप होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीप होल्स कहते हैं। आप अगर आप रिटेनिंग वाल देखे होंगे बच्चों, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखे होंगे तो वहाँ पे जगह जगह पे उसमें क्या किया जाता है, 10 से 20 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र प्रदान किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पानी है वर्षा का वो निकल सके, तो उसे वीप होल से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि चित्र एक पहाड़ी सड़क का अनुदैर्ध्य खंड ए बी दर्शाता है तो प्रतिरोधी लंबाई एल आर उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, एल वन प्लस एच अपान एफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आप ऑब्जेक्टिव में नोट कर लीजिएगा, आपके नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहाड़ी ट्रैक की लंबाई में 12 में से एक विशिष्ट ढाल प्रदान किया जाता है, यदि सड़क की लंबाई से अधिक ना हो तो कब ऐसा किया जाता है, 75 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, हम बच्चों आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नज़रिए से होगा उसको हम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखते हुए आपको बताएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हम उसको फास्ट में हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं आंसर आपको सबको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट में है जो है कि पहाड़ी सड़क के साथ रोक दीवारें प्रदान की जाती हैं। ठीक है, क्यों प्रदान की जाती है बच्चों, पहाड़ी सड़क के साथ रोक दीवार क्यों प्रदान की जाती है, पैराफिट वाल। देखिए, ये आपके एग्जाम के नज़रिए से क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, ये आंसर होगा, वाहन के पहियों को प्रधारक दीवार पर आने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, पैराफिट वाल बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, वाहन के पहिए ताकि प्रधारक दीवार पर आने से रुक जाए। नेक्स्ट बच्चों, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, 6 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की दीवार के लिए नीचे के प्रधारक दीवार की मोटाई निम्न के बराबर होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें आप आंसर आप क्या क्लिक करेंगे बच्चों, 4.4 times, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके इम्पॉर्टेंट नज़रिए से आरसीसी ड्राइंग में भी पूछा जा सकता है, आरसीसी में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि 6 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की दीवार के लिए नीचे के प्रधारक दीवार की जो मोटाई होनी चाहिए 4.4 से गुना से निम्न से के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, क्वेश्चन आप फास्ट थोड़ा देखेंगे बच्चों, तटबंध के मामलों में किनारा नाली और तटबंध के दो और के टो के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, पहाड़ी सड़कों में ज्यामिति स्टैंडर्ड जैसे पूर्ण विभिन्न क्रमांतर में संरेखण सर्वेक्षण किए जाते हैं तो चयनित सर्वेक्षण के लिए प्रतिरोध लंबाई होती है, प्रतिरोध लंबाई होती है, क्या होती है, न्यूनतम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सारे आपको जो पीडीएफ में भेज रखा हूँ उसका आंसर सारे को क्लिक कर रहा हूँ, सारे को बता रहा हूँ, लेकिन जो आपके इम्पॉर्टेंट के नज़रिए से है मैं उस पर इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ, गोला बना दे रहा हूँ, ताकि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कि कह रहा है कि पहाड़ी सड़क के संरेखण में प्रथम निर्णायक चरण क्या होता है। प्रथम निर्णायक चरण क्या होता है? प्राथमिक सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण, निशान लगाना, पूर्वालोकन करना। तो आप सबसे पहले जब सर्वे करते हैं बच्चों, आप सबसे पहले जब सर्वे करते हैं तो आप क्या करते हैं? रिकॉग्नाइसेंस करते हैं, पूर्वालोकन करते हैं, उसके बाद आप प्राथमिक सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है ना? फिर विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट आउट करेंगे। आप सर्वे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सर्वे में हम सबसे पहले आप मैप के अनुसार जो है देखते हो, फिर आप क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, पूर्वावलोकन करते हैं उसका, उसके बाद आप प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्श्व नालियों में मुक्तांतर न्यूनतम होना चाहिए, कितना होना चाहिए पार्श्व में बच्चों? न्यूनतम मुक्तांतर होना चाहिए, मुक्तांतर कितना होना चाहिए? मतलब फ्री लेवल, जो क्या होना चाहिए? फ्री लेवल मतलब आपका जैसे ये है ग्राउंड लेवल से, आपका ग्राउंड लेवल ये है और आप कोई निर्माण काम यहाँ से करा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आपका डिफरेंस हो गया वो आप कह सकते हैं मुक्तांतर, ठीक है? तो ये जो है कह रहा है कि बच्चों कि इसमें क्वेश्चन आपको कह रहा है पार्श्व नालियों में मुक्तांतर न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए बच्चों कितना? 50 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, रात्रि यात्रा के लिए घाटी वक्र की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि अग्र प्रकाश दूरी निम्नलिखित के बराबर होना चाहिए, के बराबर हो, ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका कह रहा है रात्रि यात्रा के लिए घाटी वक्र की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि अगर प्रकाश की दूरी निम्नलिखित के बराबर होनी चाहिए, कितने के बराबर होनी चाहिए? रोक की दूरी, ये भी याद कर लीजिएगा, आपके ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रोक दृश्य दूरी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिटुमनी सतह वाली सड़क वाली पहाड़ी सड़क के लिए कैम्बर लिया जाता है, कितना कैम्बर जो है लिया जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिए, बिटुमनी सतह वाली सड़क सड़कों के लिए कैम्बर लिया जाता है, कितना बच्चों? 2.5% लिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको जब बिटुमन रोड और पेमेंट के बारे में बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको कैम्बर के बारे में बताया था, तो वहाँ मैंने आपको नोट कराया था बच्चों, इसको देख लीजिएगा वीडियो में। आपको कैम्बर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से कैम्बर से पूछे जाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा कि बिटुमनी सतह वाली सड़कों के लिए कैम्बर लिया जाता है, कितना लिया जाता है? 2.5% लिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, पहाड़ी ढाल से जल को विभाजित करने के लिए सड़क के समांतर लगाए गए पाइप कहलाते हैं, ठीक है? पाइप क्या कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये जल आवाह नाली कहलाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, सड़क मार्ग के घाटी की तरफ पैराफिट दीवार की मोटाई आमतौर पर कितना रखी जाती है, ठीक है? सड़क मार्ग के घाटी की तरफ पैराफिट दीवार की मोटाई आमतौर पर रखी जाती है बच्चों, वो 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। गौर करिएगा, जो रोड है, जो पहाड़ी रोड है, उसके घाटी की तरफ जो है, वैले की तरफ पैराफिट जो बनता है, उसकी जो दीवार जो बनाते हैं पैराफिट, उसकी मोटाई 60 सेंटीमीटर जनरली रखी जाती है, मतलब 600 एमएम में रखी जाती है। नेक्स्ट है, पहाड़ी के किनारों के ऊपरी ढाल पर निर्मित नाली को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आवाह नाली, कैच वाटर ड्रेन, ठीक है, कैच वाटर ड्रेन के नाम से जानते हैं।
क्लियर हो गया, ये भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। पहाड़ी के किनारों के ऊपरी ढाल पर निर्मित की जाने वाली साड़ी को हम कैच वाटर रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्र में 12 में 1 का ढाल वाले जीप सक्षम सड़क के लिए कितने अधिकतम ढाल की सिफारिश की जानी चाहिए बच्चों? तो ये 1.7 है, ये आप स्किप कर सकते हैं, उतना आपको नहीं पूछ सकता, पूछने के चांस ज़्यादा है बच्चों। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पर सड़कों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों में अतिरिक्त चौड़ाई प्रदान की जाती है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें आपका बच्चों क्या कह रहा है कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें सड़कों में अतिरिक्त चौड़ाई प्रदान करने के लिए हम अतिरिक्त चौड़ाई प्रदान की जाती है, कहाँ पर प्रदान की जाती है? उसके आंतरिक किनारे पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जब हम पहाड़ी रोड बनाते हैं तो उसमें जो सड़कों के अतिरिक्त जो चौड़ाई हम प्रदान करते हैं वो कहाँ की जाएगी? बाहरी किनारे पर की जाएगी, आंतरिक किनारे पर की जाएगी, बाहरी और आंतरिक दोनों किनारों पर की जाएगी, साइड में की जाएगी? तो ध्यान रखिए, कहाँ पर की जाती है बच्चों? ये आपका किया जाता है कहाँ पर? आंतरिक किनारे पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में एक तरफ की निकास नाली किस तरफ प्रदान की जाती है, इसको भी आप नोट करिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे बच्चों, तो आंसर में आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये बराबर पूछता हुआ क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्र में एक तरफ की निकास नाली किस तरफ प्रदान की जाती है? तो सड़क पर केवल पहाड़ी की दिशा में, सड़क पर केवल पहाड़ी की दिशा में किया जाता है, नोट करिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ की जो निकास नाली है किस तरफ प्रदान की जाती है? तो कहाँ पर आंसर हो जाएगा? सड़क पर केवल पहाड़ी की दिशा में हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, पैराफिट दीवार की ऊंचाई आमतौर पर बर्म स्तर के ऊपर के में रखी जाती है, ठीक है, रखी जाती है, कितना रखी जाती है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, ये 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सड़क के उपसतह वर्षा जल निकासी का मतलब है कि क्या है? मतलब है कि बच्चों सड़क की सतह से, एक सड़क की उपसतह सब सरफेस की बात कर रहा है, वो वर्षा जल निकासी का मतलब क्या है? सड़क की सतह से, सड़क की उपसतह का आधा स्तर, सड़क की सतह और उप सतह, सड़क के स्थायी भूमि की मृदा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों ये आपका करेक्ट होगा, सड़क की उप सतह का अधः स्तर। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपको बहुत ज़्यादा पूछने का चांस नहीं है, मैं उसको बस आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, जो आपको पूछ सकता है, जो आपको नोट करना है ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से बच्चों, उसको आपको मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, तो इसलिए आप बराबर वीडियो में बने रहिए, बराबर ध्यान से देखते रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्र में महामार्गों के साथ बनी हुई पार्श्व नालियों के सामान्य चौड़ाई होती है, तो सामान्य चौड़ाई अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्वेश्चन आया था लगभग, तो वो 60 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी सड़कों में चिमटा मोड़ के लिए न्यूनतम अभिकल्पन चाल, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि पहाड़ी सड़कों में चिमटा मोड़ों के लिए न्यूनतम अभिकल्पन चाल ली जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है 20 किलोमीटर जब चिमटा मोड़ में डिजाइन किया गया हो, जब पहाड़ी सड़क में चिमटा मोड़ अगर बनाया गया हो, चिमटा मोड़ अगर बनाया गया हो बच्चों, ध्यान रखिएगा, तो उसकी न्यूनतम विकल्पन चाल वहाँ पे चाल जो होगी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पैराफिट दीवारों को आमतौर पर सड़क मार्ग की घाटी की तरफ आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्यों होता है? यहाँ पर देखेंगे क्यों होता है, ये देखिए बच्चों, आपको आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, मिट्टी को, हाँ ये पैरा, ये क्वेश्चन है आपका, पैराफिट दीवारों का आमतौर पर सड़क मार्ग की घाटी की तरफ आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपको मिट्टी को फिसलने से रोकने के लिए, दूसरा वाहन के सड़क का ठीक से मार्गदर्शन के लिए, एक अच्छी जल निकास प्रणाली के लिए, सड़क को सही बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही होगा, वाहनों को सड़क का ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। पैराफिट दीवारों के आमतौर पर सड़क मार्ग की घाटी की तरफ आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, वाहनों का सड़क को ठीक मार्गदर्शन के लिए। अभी
आपको पैराफिट से जो है क्वेश्चन एक और आया था, पिछले वीडियो मैंने शायद आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ी सड़कों का जीवन काल दक्षता प्रदान करने में पर्याप्त रूप में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहला है अच्छी सड़क अपवाह प्रणाली, अच्छी सड़क सतह, अच्छी मृदा नींव, सड़क निर्माण में अच्छी सामग्री। तो ध्यान रखिएगा अच्छी सड़क अपवाह, पहाड़ी सड़क को जीवन काल की दक्षता में सबसे अच्छा क्या होता है वहाँ पे बच्चों, पानी ना टिके, इसीलिए जो है गुड रोड ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी सड़क अपवाह प्रणाली होना चाहिए ताकि जो है पहाड़ी सड़क का जीवन काल और दक्षता एफिशिएंसी अधिक रहे, उसकी वृद्धि हो सके, ठीक है बच्चों। तो इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ताकि जो है अगर वर्षा का पानी अगर जितना जल्दी वहाँ पे हट जाएगा वो सड़क जो है उतनी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, IRTD भारतीय मार्ग पर्वतीय विकास संस्था बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ये आप बच्चों स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको टिक बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या है, 1927 होगा। IRTDA की स्थापना जो 1927 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी सड़कों में से आने वाले पानी को बीच में रोककर तथा दूसरे मार्ग पर ले जाने के लिए सड़क मार्ग के समांतर प्रदान की गई नाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट में ये जो है आपको कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे आपका आंसर बच्चों, तो ये क्वेश्चन में आंसर आपको पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पे आंसर आपका है, तो यहाँ पे देखिए ढालू नाली, जलग्राही नाली, पार्श्व नाली, अनुप्रस्थ नाली, तो इसका आंसर जो है आपका कैच वाटर ड्रेन होगा, ये वाला आंसर आपका होगा कैच वाटर ड्रेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1125 नंबर क्वेश्चन आपका जो सीरियल है, यहाँ पे सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर नालियाँ प्रदान की जाती है जब सड़क होती है, कब हो जाती है बच्चों, जब इन कटान में हो। अभी मैं बताया था, पीछे भी क्वेश्चन आया था, नोट कर लीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैं पीछे भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी वर्षा वाले स्थानों पर सड़कों के किनारे पास नाली प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो कैसा प्रदान करना चाहिए बच्चों, ये ट्रायंगुलर टाइप में प्रदान करना चाहिए, त्रिभुजाकार नाली जो है प्रदान करना चाहिए। भारी वर्षा वाले स्थान पर जहाँ पे सड़कों के किनारे पार्श्व नाली प्रदान कैसे करना चाहिए, जहाँ पे लगातार भारी बारिश हो रही हो वहाँ पे कैसी नाली प्रदान करना चाहिए, त्रिभुजाकार काट में नाली हमें बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसके आगे के आंसर अगले वीडियो में